नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज पार्ट नंबर है 10th। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों सेशन 2020-21 यानी कि आने वाले 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए के, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो पिछले कई सालों में रिपीट हुए हों, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहेंगे जिससे आप लोगों को मालूम पड़ सके कि पिछले प्रीवियस ईयरों में लगातार कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो पूरा ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, उसके वीडियो के लास्ट में हम आप सभी के, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रों सभी के बारे में हम वीडियो के लास्ट में जरूरी कुछ बातें बताने वाले हैं जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी से। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में जो क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से आते ही आते हैं, कन्फर्म है। आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं बीए फर्स्ट ईयर के, उनमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन रहेगा, चार आंसर रहेंगे, 100 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो उसमें 7-8 नंबर के जयशंकर प्रसाद जी से कुछ क्वेश्चन, यानी कि 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे समझते हैं तो जितने भी क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड आते हैं सारे आप बिना हिचकिचाए हुए आप लोग हल कर सकते हैं, यानी कि उसका करेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 1876, बी नंबर 1902, सी नंबर 1889 और डी नंबर है 1880। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, सॉरी किस सन में हुआ था, वो बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को अभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद टेस्ट स्टार्ट होगा, तब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि कामायनी किसका महाकाव्य है। नंबर एक है नागेंद्र, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर है अज्ञेय। तो कामायनी आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है कि 99% आता ही आता है। ठीक है, तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। नंबर एक तितली, झरना, अग्निमित्र और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झरना। छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक कार रचना कौन सी है। आंसर मिल जाएगा लहर, उर्वशी, आंसू, अनामिका। क्वेश्चन किसी भी प्रकार थोड़ा चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन इसमें ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक की रचना कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन दिया है झरना या फिर अनामिका, आंसू, उर्वशी, लहर, ऐसे करके, तो आप लोग क्वेश्चन पे उर्वशी पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जो इनको मिला था, जो पुस्तक का रचना कौन सी थी, वो थी उर्वशी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कामायनी के कितने पुरुष पात्र हैं, पुरुष पात्र थे, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में, हो सकता थे आ जाए या है आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 6, 4, 2, 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कामायनी के 2 पुरुष पात्र थे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। नंबर एक सुधा, चांद, भारतेंदु, प्रतीक। जो छात्र, मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने बुक खरीदी होगी या फिर उनके पास सीरीज होगी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, कुछ उन्हें नॉलेज होगा, उनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो छात्र फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या उन्होंने बुक नहीं पढ़ी, तो उन लोगों को थोड़ा परेशानी होगी। आप दोबारा से रिपीट वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सावन पंचक पत्रिका जो वो भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जयशंकर प्रसाद के गुरु का क्या नाम था। नंबर एक नरिहर दास, रहीम दास, मोहिनी लाल, नंद दास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी के गुरु का नाम मोहिनी लाल था, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी थी? नंबर एक है कामायनी, बी नंबर सज्जन, सी नंबर सावन पंचक और डी नंबर झरना। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से जो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता थी वो थी सावन पंचक, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? नंबर एक है चिंता, बी नंबर आशा, सी नंबर श्रद्धा और डी नंबर में से कोई नहीं। तो कामायनी का जो पहला सर्ग है वो है चिंता, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी की रचना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इस पर जरूर आप फोकस करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर मिल जाएंगे 1960, बी नंबर है 1915 और सी नंबर है 1930 और डी नंबर है 1935। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कामायनी की रचना सन 1935 ईस्वी में हुई थी, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवसामनी नाटक किसका है? पंत, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन इसी तरह मिलेंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा वहाँ पर, क्योंकि मैं आज किस वीडियो में इंडिविजुअली जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड उनसे हैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा या आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें रैंडमली क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के होंगे और दूसरे लेखक के होंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लेखक के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ध्रुवसामनी आप लोग टिक कर दें कि राम कुमार वर्मा का नाटक है, या फिर पंत का है, या फिर अज्ञेय का है, या फिर रामविलास का है। ठीक है, तो इस तरह कन्फ्यूज मत होइएगा, लिखा है राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि ध्रुवसामनी नाटक में कितने अंक हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवसामनी नाटक में जो अंक की संख्या वो है 3, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि ध्रुवसामनी नाटक का खलनायक कौन था? ऑप्शन आपको मिलेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा सकराज। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितने नाटकों की रचना की है? ऑप्शन आपको इतने मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो जो जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की जो उनकी संख्या है, यानी कि जितने नाटक रचना की है उनकी जो संख्या वो है 14, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लिखा है कि ध्रुवसामनी की रचना कब हुई थी? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिना देरी के हम आपको बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1933 ईस्वी में ध्रुवसामनी की रचना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विशाख किसकी रचना है? ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे, आज किस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, विशाख जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि लहर किसकी कृति है? नंबर एक निराला, हरिवंश राय, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लहर जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? 8, 15, 5, 7। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15, कामायनी में जो सर्ग की संख्या है वो 15 है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम राज किसकी कृति है? यशपाल, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो प्रेम राज है वो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम प्रभात की रचना कब हुई? ठीक है, प्रथम प्रभात वो जो जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है ये भी, तो इसकी जो रचना है कब हुई थी वो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन मिल जाएंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुई थी 1918 में, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है कि वन मिलन किसकी कृति है? नंबर एक नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद और अगला ऑप्शन है निराला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जयशंकर प्रसाद जी की रचना या फिर आप कह सकते कृति है वन मिलन की। ठीक है, वन मिलन जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तुलसीराम, हरिराम, देवी प्रसाद, दीनदयाल। तो जो जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता का नाम था वो था देवी प्रसाद, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जौनपुर, आजमगढ़, काशी, अजमेर। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए हो जाएगा सी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की माता का क्या नाम था? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, रजनी, मुन्नी देवी, रूपमणि और अंजनी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
मुन्नी देवी, जयशंकर प्रसाद जी की जो माता जी थी उनका नाम था मुन्नी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था। ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे, रघुराज, रामधर, जगधर, कलाधर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जयशंकर प्रसाद का जो जी का जो उपनाम था वो था कलाधर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयरों में, इसलिए मैं वो सारे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताएं, जल्द से जल्द उसमें प्रोसेस करके आप तक मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करेंगे। बीए बीएससी बीकॉम तीनों ईयर के छात्रों को यहाँ पर मॉडल पेपर और उनकी पूरी तरह हेल्प की जाएगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को ज्वाइन कर सके और अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। यानी कि जो एग्ज़ाम है इस बार, आप सभी को मालूम है कॉलेज बहुत सारे बंद है, छात्र कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं तो ऑनलाइन ही अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।